बस कुछ देर और फिर वीर लोक की सारी शक्तियां मेरी मुट्ठी में होंगी। हमें मस्ती परी को थोड़ी छूट देनी चाहिए तिमनासा। आखिर ये हमारा पहला शिकार है। बात तो तुम सही कह रहे हो बेमार। चलो ठीक है, मैं इसकी उड़ने की शक्ति रहने देती हूँ ताकि ये अपने तितली जैसे पंख फैलाकर वीर लोग जाए और बालवीर को जाकर ये संदेशा दे के पृथ्वी पर बहुत जल्द एक सैलाब आने वाला है, बुराई का सैलाब। तिमनासा ने रज्जोरण की मदद से शौर्य को ही वीरलोक में कैद कर दिया है और इसलिए शौर्य ग्रहण पूरा होने तक वीरलोक से बाहर नहीं निकल सकते। इसका मतलब रसायन वश की मदद से तिमनासा को रोकने की योजना अब पूरी नहीं हो पाएगी। अरे मस्ती परी, आप ठीक तो है ना? मैंने आपको संपर्क करने की कितनी कोशिश की लेकिन आपसे संपर्क हो ही नहीं रहा था। उस तिमनासा ने मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली है। मैंने उससे लड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन एथास ग्रहण के चलते मैं उसका सामना नहीं कर पाई। अब मेरे पास सिर्फ छोटी उड़ान भरने की शक्ति बची है। एथास ग्रहण का फायदा उठाकर तिमनासा हम सबकी शक्तियाँ हासिल करने की कोशिश करेगी। हमें सावधान रहना होगा और विवान को भी सुरक्षित रखना होगा। विवान की पहरेदारी में और ज्वाला परी लगातार कर रहे हैं। तिमनासा उसके घर में अभी तक नहीं पहुंची। लेकिन आप दोनों सावधान रहिएगा क्योंकि जैसे जैसे ग्रहण बढ़ता जाएगा काली शक्तियों की ताकत और भी बढ़ती जाएगी और हमारा उसे लड़ना और भी मुश्किल होता जाएगा। लेकिन बालवीर, अगर हम ग्रहण के खत्म होने का इंतजार करेंगे तो हम में से किसी की भी शक्तियां नहीं बचेगी और तिमनासा पूरी तरह से जीत जाएगी। ऐसा नहीं होगा वायुपुरी, इस सबसे लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है जिसके लिए मुझे वीर लोग जाना होगा। आप सब विवान की सुरक्षा कीजिएगा, मैं वीर लोग जा रहा हूं। भैमार क्या कर रहा है पानी परी? हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। इस समय भैमार से टकराना बहुत खतरनाक है वायु परी, लेकिन हमें पृथ्वीवासियों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगानी पड़ेगी। कितनी लाचार हो ना तुम दोनों अपने फर्ज के आगे। यही तो कमजोरी होती है तुम अच्छे लोगों की। अब तुम दोनों को तुम्हारी ही शक्तियों का स्वाद चखाऊंगी मैं। अब बारी है छोटे बालवीर की। ये लीजिए हमारी बहू के हाथ से बने हुए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है।
टेस्ट तो उससे भी अच्छा है अंकल, खाकर तो देखिए। खाइए। तोबा तोबा, नंदी उड़ने की कसम, यहाँ तो वो चल रहा है, वो खाना खसाना। चपताली, अब देखो मेरा कमाल। कर कर कर। ये कौन सी डिश है? ये खीर है। क्या आपने खीर में पूरा नींबू छोड़ दिया है क्या? नींबू? मैंने तो कभी नहीं खाई इतनी खट्टी खीर। कड़वी खीर। दाल टेस्ट करवाइए। हाँ हाँ हाँ। ए दबा दबा, अब मेरी बारी है, मेरी बारी। दाल में क्या आपने करेला मिला दिया करुणा जी? अरे बोलिए नहीं, सुनिए, दाल में कौन करेला डालता है? मम्मी के खाने में खराब टेस्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये है 5 स्टार से अच्छा खाना? तुम ही लाई थी मुझे यहाँ पे अपने फ्रेंड बजाज के कहने पे। अच्छा, तो इसमें भी मेरी गलती है क्या? नहीं नहीं, मेरी गलती है। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? परी हूँ, आप कहाँ हो? क्या हुआ विवान? चपताली और तबा तबा वहां छुपे हैं। मैं आप ही इन दोनों को सीधा कर दूं। इसके पास जादुई शक्तियां कहां से आ गई? चौंक गए विवान, नन्नी उंगली की कसम, अब तो मेरी नन्नी उंगली में भी वो है, वो जादू। ये कैसे हो सकता है? धरती पर कालों कालों की शक्ति कब से चलने लगी? जब से यथार्थ ग्रहण शुरू हुआ है तब से। लेकिन परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं मारूंगी, कुछ नहीं करूंगी, बस तुमसे तुम्हारी शक्तियां छीन लूंगी ताकि तुम लाचार होके धरती की तबाही देख पाओ। कोई पाशवास नहीं होगा, बस सर्वनाश होगा। तुम पांचों की और इस विवान की शक्ति तो मेरे पास आ ही चुकी है, अब बचा बस वो तुम्हारा बालवीर। लेकिन ये योजना बहुत ही खतरनाक है बालवीर। जानता हूँ शौर्य, मगर अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बालवीर मन शांत करके सोचा। नहीं शौर्य, अब हमारे पास दूसरा उपाय सोचने के लिए समय नहीं है। भयमार पहले ही मस्ती परी की शक्तियाँ छीन चुका है, अब अगर हमने और देरी की तो
वो सारी परियों की शक्ति ले लेगा। इसलिए मैं अभी काल परी का रूप लेकर काल लोक जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें काल परी के रूप में काल लोक भेजने को तैयार हूं। काल परी, धरती और वीर लोक पर मेरी हुकूमत होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। परियों की और उस छोटे बालवीर की शक्तियां तो मैंने ले ही ली है, अब सिर्फ बचा है वो बड़ा बालवीर। उसकी शक्तियां भी तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी तिमनासा। ग्रहण खत्म होने में अभी भी वक्त बाकी है। बालवीर के सभी पैंतरे तो अब बेकार हो ही चुके हैं। जरूर अपने उस सफेद शेर के साथ बैठकर कोई नई योजना बना रहा होगा बेचारा। शौर्य, काल लोक में मौका मिलते ही तिमनासा का जादुई शस्त्र हासिल करना होगा मुझे। ये काम सावधानी से करना बालवीर, तिमनासा बहुत ही शातिर है, अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। फिक्र मत करो शौर्य, तिमनासा को इस बार जीतने नहीं दूंगा मैं। ठीक है बालवीर, विजयी होकर लौटो। खुश रहो शौर्य, खुश रहो। मार पृथ्वीवासियों पर जहरीली हवा छोड़ रहा था। हम दोनों ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसी वक्त तिमनासा ने वहां आकर हमारी शक्तियों का इस्तेमाल हम परी कर दिया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था वायु परी। थोड़ी देर पहले तिमनासा यहाँ भी आई थी, उसने हम सबकी शक्तियाँ उसके शस्त्र में खींच ली। हम तो पार्टनर ही कुछ कर सकते हैं। काल परी, अजीत की जिस ऊंचाई पर मैं हूं उसमें तुमने मेरी बहुत मदद की है, यथार्थ ग्रहण का राज बताकर। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम इस सिंहासन पर बैठो, इस राजगद्दी पर मेरे लिए। तिमनासा, मुझे इस राजगद्दी में कोई ही रुचि नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे ब्रह्मांड में से अच्छाई को हमेशा के लिए खत्म कर देना। तुम्हारा ये अच्छाई को खत्म करने का जज्बा देखकर दिल खुश हो गया काल परी। चलो ये राज गद्दी ना सहे, तुम मेरे लिए मेरा ये शस्त्र ही पकड़ लो, मुझे अच्छा लगेगा। मेरे लिए बहुत जच रहा है तुम पर, शुक्रिया। काल परी, तुम्हें तो वीर लोग छोड़कर बहुत पहले ही काल लोग आ जाना चाहिए था, पर अभी भी कुछ देर नहीं हुई। बस कुछ ही पलों में यथार्थ ग्रहण के खत्म होने से पहले मैं वीर लोग को मिट्टी में मिला दूंगी, नामो निशान खत्म कर दूंगी। यही मौका है, और फिर पूरी दुनिया पर राज करेगी तिमनासा। यही कमी है तिमनासा की, जीत मिलने से पहले ही जीत का जश्न मनाने लगती है। तूने ये कैसे सोच लिया कि तू छल कपट की महारानी को काल लोक में आकर धोखा दे देगा? बालवीर, बालवीर, तिमनासा ये क्या कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। वैसे खुद ब खुद यहाँ आने के लिए शुक्रिया बालवीर,
क्योंकि अब तुम्हारी भी शक्तियां मेरी होंगी। कालपरी, ये क्या कर रही हो? यही मौका है, छीन लो इसकी शक्तियाँ। तिम्नासा, अभी भी वक्त है, छीन लो इसकी शक्तियाँ। ये क्या किया तिम्नासा? बालवीर को क्यों भागने दिया अभी? क्योंकि अपने शिकार को तड़पता हुआ देखने में तिम्नासा को बहुत मजा आता है। पर तुम उसे इसी वक्त जितना चाहे उतना तड़पा के मार सकती थी ना? नहीं, बालवीर एक सोच है, अच्छाई की सोच, और उसी सोच को मुझे खत्म करना है। जब मैं परियों के सामने, उसके उत्तराधिकारी के सामने और पूरी दुनिया के सामने बालवीर को मारूंगी, तब वो सोच खत्म होगी और तब बुझेगी उन लोगों की उम्मीद की आखिरी किरण, वो आखिरी लो, और तब हमेशा हमेशा के लिए मरेगा बालवीर। मस्ती परी, पार्टनर का प्लान कामयाब तो होगा ना? हिम्मत रखो विवान, जीत हमेशा हिम्मत रखने वालों की होती है, सच्चाई की होती है। कैसे हिम्मत रखो मस्ती परी, हम सबकी शक्तियाँ छिन चुकी है और शेर सर भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, और पार्टनर अकेले तिम्नासा का सामना करने गए हैं। लेकिन विवान, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी एक बार। पार्टनर, बालवीर, तुम्हारी योजना कामयाब हुई। बालवीर, मैं ही ज्वाला बनी। तिम्नासा को पहले से ही पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, उसने मेरी योजना सफल नहीं होने दी। तो अब क्या होगा पार्टनर, क्या तिम्नासा जीत जाएगी? नहीं विवान, एतात गढ़ खत्म होने में अभी थोड़ा समय बाकी है, हम आखिरी दम तक जीतने की उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम हार नहीं मानेंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन तिम्नासा, ग्रहण का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है, बालवीर फिर से इस शस्त्र को चुराने की कोशिश करेगा। फिक्र मत करो कालपरी, इस चूहे बालवीर की एक कमजोरी है मेरे पास, और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर मैं इसे इसके बिल से बाहर निकालूंगी। देखना चाहती हो कि वो कमजोरी क्या है? तो चलो मेरे साथ पृथ्वी लोक पर। मेरे पृथ्वी लोक पर। मैंने नहीं रोका, वो खुद ही रुक गई गाड़ी। अरे दरवाजा अटक गया है, वो दर्द हो रहा है। दरवाजा खोलो। भैमार, बालवीर की सबसे बड़ी कमजोरी है इंसानों के लिए प्यार। कोई इंसान तकलीफ में हो, बालवीर को बुलाए, और बालवीर ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो आएगा। कोई मेरी मदद करो, बालवीर! कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा है? ये तिम्नासा की चाल भी हो सकती है बालवीर। हाँ? हो सकती है, लेकिन तिम्नासा से डरकर मैं लोगों की मदद करना नहीं छोड़ सकता। लेकिन बालवीर, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बालवीर का धर्म है लोगों की रक्षा करना, चाहे उसके लिए कितना ही खतरा क्यों ना उठाना पड़े।
बटन। इन लोगों को जाने दो तिमनासा। ऐसे कैसे जाने दो बालवीर? मुझे इन लोगों को तकलीफ में देख के बहुत मजा आ रहा है। मेरा मनोरंजन जो है, अब अगर इन्हें छोड़ दिया तो मेरे मनोरंजन का क्या होगा? कौन करेगा मेरा मनोरंजन? तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, इन लोगों को छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो। ठीक है, छोड़ देते हैं। ए, गाड़ी स्टार्ट हो गई, जल्दी चलो, जल्दी चलो। थैंक यू बालवीर। अब इन्हें तो छोड़ दिया बालवीर, मेरे मनोरंजन का क्या? कौन करेगा मेरा मनोरंजन? तो चलो शुरू करते हैं मनोरंजन, और हमारा पुराना हिसाब किताब भी। नहीं बालवीर, सिर्फ मेरी शक्तियां नहीं, मुझ पर पलट के तो वार करो। खत्म हुआ बालवीर।